अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसमें हम कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिए हैं आलू, इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर दिया था। इसे हमने जो उसकी ऊपर वाली स्किन है वो भी हटा दी थी। अब हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। तो इसे हम एक फिंगर फॉर्म में कट करेंगे और इसको जो है इसके जो फिंगर्स हैं वो हम ज़्यादा पतले नहीं रखेंगे। तो इस तरह से कट कर दें। इसी तरह से हम सारे आलू को कट कर देंगे। और ये देखिए, हमने सारे आलू को अच्छी तरह से फिंगर फॉर्म में कट कर दिया है। अब हम इसे एक अलग बाउल में डाल देंगे और इसे हम दोबारा वॉश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसके लिए जो आलू है वो ड्राई होने चाहिए। तो इसे अलग बाउल में कन्वर्ट कर दें और आलू बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और मैदा 1 टेबल स्पून। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हम डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे ताकि इस पर अच्छी तरह से फ्लावर लग जाए। और जैसे ही आप इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाल दें तो इसे गर्म गर्म ही तेल में डाल दें ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बन जाए। अगर आप इस पर टाइम लगाएंगे तो जो आलू है वो अपनी नमी छोड़ेगी और जो फ्लावर है वो गीला हो जाएगा। तो अब हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर दिया था और इसमें हम जो फ्राइज है वो ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से गर्म ऑयल में ऐड कर देना है और जब तक ये अच्छी तरह से इस पर गोल्डन कलर ना आ जाए इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे वरना जो हमारे फ्राइज है वो टूट जाएंगे और इस पर जो हमने फ्लावर वगैरह लगाए थे वो भी सही नहीं होंगे। तो जब इस पर कलर आ जाए तो तभी इसमें हम चम्मच चलाएंगे। तो फ्राइज़ को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर देना है लो मीडियम हीट पे और जब इस पर कलर आ जाए तो हम इसमें इसके साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें, हमारी जो फ्राइज है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे किसी भी टिश्यू पेपर पे ताकि इस पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हट जाए। और ये हमारी क्रिस्पी फ्राइज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह पमान।